सीएम बघेल रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे और बीजेपी सांसदों पर भी सीएम ने निशाना साधा। केंद्र में बीजेपी की सरकार, इसलिए सांसदों की बोलती बंद। केंद्र पर करोड़ों रुपए बाकी, बीजेपी सांसद मुंह नहीं खोलते। ये रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता तो राज्य हित में होता, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। चार राज्यों के दौरे पर सीएम बघेल और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो चार राज्यों के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। एक बार भी छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए और कभी नहीं रखते। भाई 11,000 करोड़ रुपया हमारे सीआरपीएफ यहाँ पदस्थ हैं, उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का। 13,000 करोड़ हमारे सेंट्रल एक्साइज का कटा है। जीएसटी अभी जून में ख़त्म हो जाएगा, जो कंपनसेशन मिलता था 5,000 करोड़ का, वो नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से 4,000 करोड़ की अधिक राशि तो कोयले में रॉयल्टी में जो पेनल्टी लगा था उसका पैसा है। ये राज्य के वो मिलता तो निश्चित रूप से राज्य के विकास में ये बड़ा हिस्सा होता, लेकिन चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो सांसद ही उनके हैं, ये तो चुप रहते हैं। देखिए इनकी तो बोलती बंद है। एक बार भी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। अमित, अक्सर इस तरह की बातें भी सामने आती हैं और सीएम ने कई आरोप भी लगाए कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए हमेशा उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। कोरोना में भी हमने यही देखा जब सीएम भूपेश बघेल ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि यदि यहां पर बीजेपी की सरकार होती तो वो सारी चीजें मिलती जो अन्य राज्यों को मिल रही है, लेकिन चूंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए हमें ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्योंकि आपसी खींचतान चलती रहती है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में मोदी सरकार निसंदेह कहीं ना कहीं अब 32,000 करोड़ की राशि को लेकर यहां पर खींचतान नजर आ रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने 32,000 करोड़ रुपयों की मांग करते नजर आ रहे हैं कि भाई 32,000 करोड़ यदि हमारे को दिया जाता है तो राज्य हित में काम आता, जनता के हित में काम आता, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इस राशि को जारी नहीं किया। वहीं यहां जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा या लोकसभा के सांसद है वह भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनकी चुप्पी पर आज यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो इनकी बोलती बंद है पूरी तरह से। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई भी मौका नहीं चूकते हैं केंद्र सरकार पर हमला करने से, और जब उनको जैसा मौका मिलता है वह ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला करते नजर आते हैं। जी मोनिका, बिल्कुल अमित, और ये कई बार देखने को भी मिला है। आज भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सांसदों की बोलती बंद है क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह बात है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो केंद्र सरकार से चर्चा करें, बात करें कि भाई राज्य हित में निर्णय लिए जाए और जो 32,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है वह उन्हें दी जाए, उसका आवंटन उन्हें किया जाए ताकि यहां पर राज्य हित में काम आ सके। लेकिन चूंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य के जितने भी छत्तीसगढ़ के राज्यसभा या लोकसभा सांसद है, क्योंकि अधिकांश सांसद इस समय भाजपा के हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसी खींचतान चलती नजर आ रही है। और जिस से यहां पर राज्य सत्ता में बैठी कांग्रेस इस समय उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इसको लेकर कहीं ना कोई तोड़ निकाल सकती है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को कमजोर किया जाए। तो इसके लिए उन्हें सबसे बड़ी यही एक राह दिख रही है कि जो राशि दी जाए वो क्यों ना रोक दी जाए, तो वह इस समय एक राजनीतिकरण किया जा रहा है इन सब चीजों को लेकर। जी मोनिका, बिल्कुल अमित, और हाल ही में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी और मुलाकात के बाद ये भरोसा भी जताया था कि शायद जो मांगे उन्होंने मांगी है उन मांगों पर अमल किया जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा। अमित बने